आइए हम आपको लेके आए हैं हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री होती है। तो सर ये कौन सी गाड़ी है? ये अप्टिमा E2। अप्टिमा E2। अच्छा अच्छा, कितनी कॉस्ट है इसकी? इसकी 68,000 है, लेकिन दिवाली ऑफर चल रहा है हमारा। अच्छा, इसमें 5,000 की छूट पड़ रही है। 5,000 की छूट पड़ रही है? 63,000 रुपए की पूरी कंप्लीट गाड़ी मिल रही है। अच्छा, तो इसमें किसी प्रकार का लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी? ड्राइवर लाइसेंस जरूरत है, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, हेलमेट की सर्टिफिकेट। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? देखिए, ये जो हमारा मॉडल है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा LI मॉडल है। जी जी, इसमें जो अभी बिना रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल है, उसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। अच्छा अच्छा, और इसमें 25 से 30 तक की स्पीड आपको मिलेगी। 25 से 30 तक की स्पीड मिलेगी? अच्छा, क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है, तो इसमें इससे अधिक स्पीड जो है परमिसेबल नहीं है। बाकी और मॉडल्स हमारे यहाँ पे जो ज्यादा स्पीड वाले हैं, उसमें आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, मगर उसमें RTO रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो सर इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है? इसमें बैटरी का जो उपयोग किया गया है लिथियम आयन बैटरी है। ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित बैटरी है। इस पे आपको 3 साल की कंपनी वारंटी दे रही है। 3 साल की वारंटी दे रही है। इसकी टेंटेटिव लाइफ है वो 4 से 5 साल की बैटरी लाइफ है। प्लस ये बैटरी का खास बात ये भी है कि ये डिटैचेबल बैटरी है। इसको कस्टमर जो है गाड़ी में से निकाल के और अपने घर पे रखकर चार्ज कर सकता है। अच्छा अच्छा, और लाइट वेट है, सिंगल एज की इसमें बैटरी होती है, फास्ट चार्जिंग होती है। इसमें 4 से 5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद आपको 50 से 60 किलोमीटर का बैकअप भी देती है। 50 से 60 किलोमीटर तक का बैकअप देगी ये? एक बार चार्ज करने पर गाड़ी 50 से 60। अच्छा, इसकी बैटरी अगर खराब हो जाती तो इस समय कितने की मिल रही है? बैटरी की कॉस्ट लगभग इस समय जो है 25 से 26 हजार रुपए की कीमत है। अगर ये आपको जरूरत पड़ेगी बदलने की जब 4 से 5 साल बाद, उस समय तक इसकी कीमत जो है काफी कम हो सकती है। काफी कम, जब बैटरी की कीमत जो है दिन पर दिन कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। अभी जो कीमत है वो 25 से 26 हजार रुपए की है, जिसमें कि आप अगर कंपेयर करेंगे 3 साल तक अगर पेट्रोल गाड़ी के चलाने की कीमत जो होगी और इसकी जो कीमत है, काफी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं और चार्ज करते हैं इस गाड़ी को, तो इसमें हमको बिजली का कॉस्ट कितना आता है? एक बार बैटरी चार्ज करने में कितना कॉस्ट आएगा ये बता सकते हैं हमें? आप फुल चार्ज जब आप लगाएंगे, अगर बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई है, फुल चार्ज करने में इसको 3 से 4 घंटे का समय लगता है और 1 से 1.5 यूनिट का खपत होता है। 1 से 1.5 यूनिट का खपत होता है, 3-4 घंटे लगता है। अगर पे रखेंगे तो 10 रुपए की बिजली में ये गाड़ी आपकी 50 से 60 किलोमीटर तक कवर करती है। अच्छा, बहुत सस्ती है। तो ये गाड़ी का सर डिस्क्रिप्शन क्या है? लाइट तो बड़ी अच्छी जल रही है सर। देखिए, एलईडी लाइट है इसमें। अच्छा, एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट दे रखा है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स है, लेफ्ट का इंडिकेटर है, राइट का इंडिकेटर है, ऑन नॉर्मल जैसे गाड़ी। उसके बाद जो सबसे बड़ी खास बात इसमें आपको मिलेगी, जो इसके टायर है। अच्छा, ट्यूबलेस टायर है। अच्छा, ये ट्यूबलेस टायर है, इसमें आपका ट्यूब नहीं है और पंचर भी जल्दी नहीं होती है। कहीं पर भी रास्ते में आप खड़े नहीं होंगे इसके, आपको पंचर अगर हो भी जाता है आप आराम से घर पहुंच सकते हैं। रास्ते में कभी भी ये गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। अच्छा, शॉकर्स जो इसमें दे रखे हैं, देखिए हाइड्रोलिक शॉकर है ये। अच्छा, ये हाइड्रोलिक शॉकर है। कहीं भी खराब सड़कों पर भी आपको इसमें बहुत अच्छी रोड परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये जो आपका ये दे रखा है प्लास्टिक का है? प्लास्टिक पूरी हमारी ABS प्लास्टिक है। ये सबसे मजबूत प्लास्टिक होती है जो आजकल सभी गाड़ियों में यूज हो रही है, वो वाली प्लास्टिक है। अच्छा, फिनिश आपको पूरी बढ़िया मिलेगी। उसके साथ में ये सेफ्टी गार्ड्स भी लगे हुए हैं, ताकि की बाकी की अगर कहीं टक्कर भी हो जाती है तो गाड़ी आपकी सेफ है। उसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा, ये डिजिटल मीटर है इसमें। जी, जिसमें आपको कि पूरा किलोमीटर से लेके स्पीड का ये देखिए आपको शो करेगा। बैटरी कितना आपकी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज, ये शो करेगा। स्पीड आपको देखिए 27 की ये शो कर रहा है। जी जी जी, किलोमीटर भी दिखाएगा और बैटरी का वोल्टेज भी दिखाएगा। अच्छा, और इसमें कितने लोग बिठा सकते हैं? यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है। हाँ, ये मोबाइल चार्जिंग का बड़ा बढ़िया दे रखा है। इसे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इसमें एक एडिशनल फीचर है। और जो खास चीज इसकी सबसे बढ़िया जो आप दिखाना चाहेंगे, इसकी जो लंबी चौड़ी सीट है, ये आपको सभी गाड़ियों में नहीं मिलेगी इतनी लंबी चौड़ी सीट, और कम्फर्टेबल आरामदायक है। ये इसका देखिए चार्जर है, ये फास्ट चार्जर है। मुश्किल से ये अगर आप इसको 1 घंटे भी लगा देंगे तो 60% बैटरी चार्ज कर देता है 1 घंटे के अंदर। फास्ट चार्जिंग है। चार्जर की भी गारंटी 1 साल है? 3 साल की वारंटी है सभी चीजों पर, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी। इसमें आपको जो बैटरी है देखिए, ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी दे रखी है। ये आप निकाल सकते हैं? हाँ, ये निकाल सकते हैं, डिटैचेबल बैटरी है, ये आप निकाल के वापस डाल दीजिए। वाह वाह, ठीक है। ये मैक्सिमम आपकी स्टोरेज स्पेस इसमें मिलेगी, इतनी आपको किसी और गाड़ी में
स्टोरेज की स्पेस नहीं मिलेगी, काफी स्टोरेज है, काफी स्टोरेज। इसमें आप हेलमेट भी रख सकते हैं, हेलमेट आराम से आप फुल फेस हेलमेट रखिए, उसके बाद भी आपके पास जगह बची रहेगी कि आप इसमें कुछ और सामान भी रखिए, केवल बैटरी का। अच्छा, ये आपकी कौन सी गाड़ी है? ऑप्टिमा प्लस, ये लेड है, ये एलआई है। अच्छा, ये लेड बैटरी में मॉडल है ये? अच्छा, लेड सारे फीचर्स इसमें कॉमन है, केवल बैटरी इसकी जो दे रखी है वो नॉर्मल लेड एसिड वाली बैटरी है। इसकी कीमत कितनी होगी? ये करीब 51,000 का है ऑन रोड। 51,000 का, वो कितने का पड़ रहा था? वो वाला है 68,000 का ऑन रोड। अच्छा, 51 से 68, यानी लगभग 1,000 का ऑफर चल रहा है, तो 63,000 का ऑन रोड पड़ रहा है। ये वाले मॉडल पे 3,000 का ऑफर है, तो ये करीब 48,000 का पड़ेगा। ये 48,000 का पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बैटरी क्या, बैटरी की गाड़ियों में इस समय आप बता रहे हैं कि सबसे बढ़िया गाड़ी हीरो की, ऐसा क्यों? सबसे पुरानी कंपनी है, पिछले 10-12 सालों से बेच रहे हैं हम लोग, और हीरो का ब्रांड नेम है। जो हीरो मोटोकॉर्प है या हीरो साइकिल्स है, उसी की ग्रुप कंपनी है हीरो इलेक्ट्रिक, लुधियाना में बनती है। पिछले 12 सालों से गाड़ी रोड पर चल रही है, बराबर हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इसकी सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, सर्विस अवेलेबल ये सर्विसिंग यहीं पे होगी इसकी? सर्विस का यहीं पर मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई सर्विस का काम नहीं होता है। अच्छा, जनरल चेकअप वगैरह होता है वो सब आते हैं। मतलब हम अगर ले जाते हैं 3 साल की वारंटी के लिए, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट खर्च करने की जरूरत 3 साल तक नहीं है? देखिए, इसमें मेंटेनेंस के नाम पर ना कोई इंजन है, ना कार्बोरेटर है, ना प्लग है, किसी तरीके का मेंटेनेंस जनरल नहीं है। रहेगी बात नट बोल्ट वायरिंग जनरल चेकअप, वो सर्विस आपको 3 महीने का फ्री देता हूँ, बाकी की सर्विस का चार्ज जो लगेगा वो आप टाइम टू टाइम जब करनी हो तो करा सकते हैं। नहीं, 3 साल के पहले की बाद में? वारंटी जो है कंपोनेंट्स की है। अच्छा, वारंटी कंपोनेंट्स की है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की है, मोटर कंट्रोलर बैटरी इन सब चीज़ों में कोई गड़बड़ी होती है वो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अच्छा, सर्विस चार्जेज जो एप्लीकेबल होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। BLDC हब मोटर है जो कि 48 वोल्ट DC पर काम करती है, और ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं सस्पेंशन की, प्लास्टिक बॉडी है मजबूत। इसमें अलग अलग कलर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे पर्यावरण पॉल्यूशन नहीं फैलता है, जो कि पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों से फैलता है। इसका एक और बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो इसमें एक स्पीड लिमिट होती है, जिससे जो नए लड़के होते हैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाते हैं, उससे सुरक्षा होती है, ये गाड़ी 30 से ऊपर भागेगी नहीं, इसलिए ये सुरक्षा रहेगी। दूसरी चीज़ जो आमतौर पर देखी जाती है कि बच्चे पेट्रोल के नाम पर पैसा लेते हैं और उसका उपयोग शराब या फिर सिगरेट पीने के लिए करते हैं, बैटरी की गाड़ी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्हें एक बार चार्ज करके दे दीजिए, वो अपने स्कूल या कॉलेज तक जाएंगे और बिना किसी पैसा खर्च किए वापस अपने घर तक चले भी आएंगे। कुछ लोग सेल्समैन के जरिए अपने प्रोडक्ट की बिक्री करवाते हैं, वहाँ भी ये गाड़ी यूज़फुल है, सेल्समैन को दी जा सकती है। बुराई में ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रीसेल वैल्यू बड़ी कम होती है। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 5 भाग होते हैं, पहला है बॉडी, दूसरा है मोटर, तीसरा कंट्रोलर, चौथा बैटरी और 5वां है चार्जर। बॉडी में ज़्यादा कुछ है नहीं, मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती, कंट्रोलर बाज़ार में मिल जाता है, बैटरी थोड़ा महंगा आइटम है, ये भी आराम से मिल जाएगी, और उसके बाद आता है चार्जर, ये कोई बड़ी खास दिक्कत नहीं है, ये भी आप आराम से खरीद सकते हैं बाज़ार से।